सो वेलकम बैक। देखिए आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी लेने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है बैंक बीसी को लेकर, तो आपको ये बात पता होगी कि अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी लेते हो तो आपको एज ए सिक्योरिटी अमाउंट 5000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों डाउट ये बन रहा है, जो सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट ये कर रहे हैं कि 5000 रुपये की बात आपने बता दी, चलो ठीक है, अगर हम 5000 रुपये जमा भी कर देते हैं, चलो हमने मान लिए 5000 रुपये हमने गड्ढे में डाल दिए, चलो छोड़ो ठीक है, पर उसके अलावा भी कुछ बात होती तो नहीं है उसमें? कहीं ऐसा ना हो कि 5000 रुपये दे दिए उसके बाद हमें ये सुनने को मिल रहा है कि भैया आपको ये करना पड़ेगा, तो हम सोचेंगे भैया 5000 रुपये हमारे खाली बिल फंस गए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 5000 रुपये के अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या क्या बातें होती हैं, ताकि आपको पता रहे और उन सब बातों को देखते हुए आप 5000 रुपये जमा करो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात क्या होती है बताता हूँ आपको मैं। जब आप स्टार्टिंग में जाते हो, मतलब कि आपने जब उनसे पूछने गए थे, पता करने गए थे कि सर मुझे बैंक बीसी लेना है, उस टाइम जब आप गए थे तो आप में से काफ़ी लोग जो गए होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पर आपसे पूछते हैं कि आपकी दुकान कहाँ पर है, आपके पास कस्टमर कैसे आते हैं, आप इंश्योरेंस करते हो कि नहीं करते हो किसी कंपनी का, अगर करते हो तो वहाँ पर कितना कमीशन मिलता है, आप हमारे यहाँ से कीजिए। आपने बोला होगा सर हाँ करूँगा मैं, और मेरे पास बहुत कस्टमर आते हैं, आपने बोला होगा, अगर बोला हो तो कमेंट कर देना ठीक है, आप में से कोई अगर हुआ कर दो। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों मेनली जो फोकस होता है उनका ये होता है कि जो कस्टमर बन रहा है, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक बीसी ले रहा है, वो इंश्योरेंस का काम भी कराया उनका। ठीक है, जो मेरे एरिया में था, मतलब मैं हूँ हरियाणा से, तो यहाँ पर दोस्तों जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिस था वो बजाज का इंश्योरेंस बताते थे, मतलब जो बजाज फाइनेंस बजाज का इंश्योरेंस करवाते थे, वो बजाज शायद एलियन से पता नहीं कौन सा है उसका करवाते थे वो। ठीक है, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हो क्या, तो मैंने बोला नहीं, तो अगर हो तो आप बताना हाँ हूँ, और अगर आप बताओगे हाँ हूँ तो वो पूछेंगे आपसे कि भैया वहाँ पर कितना कमीशन मिलता है, तो आप बताओगे इतना परसेंट मिलता है, तो वो आपको ये बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ से इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब मेनली वो आपसे ये बताएंगे कि भैया आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में गए थे, आप पूछने गए थे, तो वहाँ पर आप हाँ ही बोलोगे क्योंकि आपको बैंक बीसी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पर ये बात दोस्तों उनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनका मेन काम यही है, जब आप 5000 रुपये जमा करा दोगे उसके बाद वो आपसे एक तरह से मान लो आप फिर प्रेशर डालते हैं कि आपको हर महीने इतना इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आप इंश्योरेंस ना करा पाओ, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपने इंश्योरेंस क्यों नहीं कराया, आपको कराना था, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप ड्यूटी नहीं कर रहे उनकी, आपको कोई सैलरी थोड़ी मिल रही है, पर वो आपको बोलेंगे क्योंकि जो ऑफिस वाले होंगे जो आपसे कॉन्टैक्ट करते होंगे वो आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे भैया हंसराज कितने इंश्योरेंस हुए, कस्टमर कितने आए थे, आपने इंश्योरेंस के बारे में किसी को बताया नहीं बताया, तो आप बोलोगे सर इंश्योरेंस का कोई कस्टमर नहीं आया था। ठीक है, एक तरह से आप उनको बोलोगे भाई, मतलब झूठ बोलोगे आया था, मैंने समझा दिया उनको, कुछ भी बोलोगे आप। ठीक है, मतलब मोटा मोटा आप कुछ भी इंश्योरेंस करके नहीं दोगे उनको, तो उसका जो नतीजा होगा वो ये होगा आगे चलकर कि आपने इंश्योरेंस तो करवाया नहीं है, आपने काम तो करवाया नहीं है, तो आपको जो आईडी मिलेगी, मतलब जो आधार कार्ड अपडेट करने की आईडी होगी, या फिर मोबाइल नंबर चेंज करने की आईडी होगी, या फिर बच्चों का आधार कार्ड बनाने वाली आईडी होगी, वो आपको नहीं दी जाएगी। दोस्तों ऐसा मानना मेरा है, क्योंकि देखो भाई वो एक तरह से मतलब आप ये लगा लो सभी को 5000 रुपये दे के वो मतलब बैंक बीच बना रहे हैं, सबको बना रहे हैं। अगर आप 5000 रुपये जमा कर दोगे इंटरव्यू में पास हो जाओगे तो आपको बैंक बीसी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सोचो अगर वो हर बंदे को बैंक बीसी वाले बंदे को जिनको उन्होंने बैंक बीसी दिया है, अगर वो हर बंदे को आधार कार्ड का काम देंगे तो कैसे चलेगा? तो नहीं चलेगा ना आधार कार्ड काम, तो इसलिए क्या करेंगे वो कुछ लोगों को शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट कैसे करेंगे, वो शॉर्ट इसी हिसाब से करेंगे कि जो काम उन्होंने दिया था उनको वो काम उन्होंने किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो उनका काम पहला क्या था, इंश्योरेंस करवाने का, जो कि आपने मतलब आप नहीं करवा पाओगे, अगर आपको लगता है कि भैया मैं नहीं करवा पाऊँगा, मैं ऐसे इलाके में जहाँ इंश्योरेंस लोग लेते नहीं है, तो उस केस में दोस्तों आप 5000 रुपये ना दें तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप काम नहीं कर पाओगे तो फायदा कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो मेरा फ्रेंड है उसने बैंक बीसी लिया हुआ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसने मुझे एक बात बताई है, और एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये बात बताई है कि आपको इंश्योरेंस दूसरों को कराना पड़ता ही पड़ता है, मतलब कि आपको बोला जाता है, इसके साथ साथ आपको खुद का इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है। वो आपको बोलते हैं कि सर आप अपना एक इंश्योरेंस करवा लीजिए, कितने का आप करवा लीजिए, तो 10000 रुपये का, 20000 रुपये का, 30000 रुपये का, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप करवा लीजिए। ठीक है, मतलब कि आपको एक इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, 5000 रुपये दिए आपने वो अलग है, इसके अलावा जो आपने इंश्योरेंस जो कराओगे वो भी अलग है। और दोस्तों ये काम आप करवाओगे क्योंकि आपको आईडी चाहिए, आप सोचोगे भाई यार चलो इंश्योरेंस भी करा लेता हूँ, अगर मुझे आधार कार्ड में अपडेट करने की आईडी मिल गई
बच्चों का आधार कार्ड बनाने वाली आईडी मिल गई, अकाउंट खोलने वाली आईडी मिल गई, तो फिर मैं उससे पैसा निकाल लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाले हैं वो एक तरह से अपने ही उन्होंने कमाई चला रखी है, भैया इस तरीके से करके पैसा इकट्ठा हो जाएगा और कुछ बंदों को वो आईडी दे देंगे और इससे ये भी हो जाएगा भाई चलो कुछ बंदों को आईडी मिल भी गई है और कुछ लोगों को नहीं मिली है। ठीक है, और वो सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट करेंगे वो ये कि कितने लोगों ने इंश्योरेंस करवाए हैं, कितने लोगों ने उनकी बात मानी है कि नहीं मानी, कितने कितने का इंश्योरेंस करवाया है या कौन कितने बंदे लेकर आया है, सब कुछ वो डिपेंड करेंगे, मतलब वो चीज़ देखेंगे उसके बाद सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के बाद ही वो आईडी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप खुद सोचो अगर अगर उनका कोई ऐसा इरादा नहीं होता तो वो क्या करते, सिंपली वो सिंपली ये करते भाई चलो 5,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट दे दो, आपको बैंक की भी मिल गया, बाद में जब भी ये आईडी मिलेगी आधार कार्ड वाली आईडी मिलेगी तो हमको आपको दे देंगे, तब तो आपको कुछ टेंशन नहीं है। पर वो क्या करते हैं, उल्टा आपको काम दे रहे हैं, 5,000 रुपये भी आपसे ले लिए, उल्टा आपको काम दे रहे हैं कि भैया आप इंश्योरेंस करवाओ, ये वाली नई नया इंश्योरेंस आया, नया प्लान आया है, ये लोगों को बताओ, अपने कस्टमर को बताओ, बैनर लगाओ, प्लान देखा, मतलब आपको काम दे रहे हैं। अब देखो काम देने का मतलब क्या है, 5,000 रुपये आपसे लेके काम देने का मतलब क्या है, तभी दोस्तों ये कह रहा हूँ मैं कि हो सकता है वो आगे चलकर शॉर्ट करें और जो शॉर्ट लिस्ट बंदे हैं जो उनका काम कराएंगे, ज़्यादा इंश्योरेंस करवाएंगे या खुद का इंश्योरेंस करवाएंगे उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप देख लेना, नहीं तो आपके 5,000 रुपये वेस्ट चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी डाउट आपको तो कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।